Hi guys, welcome to Pakistani family reaction. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम लजे। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा तो नाम इंटर हो गया। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन फाइनली आगे आ गए हैं इस पूरी दुनिया से बेइज्जती कराने के बाद। उन्होंने बोला है कि हम इंडिया की हेल्प करेंगे, तो बयान दिया है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। देख के पता चलेगा क्या बयान दिया है। तो क्या बिल्कुल पहले तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, तो अभी देखते क्या बोला है इन्होंने। तो काउंट डाउन करते हैं बिना किसी देरी के, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब ये चीज तो सबको पता थी कि अमेरिका और प्रेसिडेंट जो बाइडन आज नहीं तो कल भारत के आगे जरूर झुकेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका अपने क्वाड एलाई भारत की मदद इन मुश्किल हालातों में ना करता तो फिर इसका दोनों देशों के संबंधों पर आगे आने वाले समय में बहुत ही बुरा असर पड़ता। इसी के साथ जो पिछले एक हफ्ते से यूएस की सबसे पावरफुल लॉबिंग फर्म यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर ओपोजिशन की रिपब्लिकन पार्टी और खुद जो बाइडेन की अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स के दिग्गज लीडर्स बर्नी सैंडर्स से लेकर एड मार्के और ना जाने कितने सीनेटर्स, कांग्रेसमैन और लॉ मेकर्स सब ने भारत की मदद ना करने पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जीना आराम कर दिया और उनसे भारत की जल्द से जल्द मदद करने के लिए कह रहे थे। इसी के साथ इस मुद्दे पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारत का पूरा साथ दिया और इसी पूरे कलेक्टिव प्रेशर का नतीजा है कि अमेरिका फाइनली भारत की मदद करने के लिए आगे आ गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। हालांकि इसमें भी एक बड़ा पेच फंसा है, लेकिन फिलहाल बड़ी खुशी की खबर यही है कि काफी आलोचना के बाद अमेरिका आखिरकार भारत की मदद करने के लिए सामने आई गया है। दरअसल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी इंडिया और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि कुछ ही घंटों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐलान किया कि जिस तरह पेंडेमिक की शुरुआत में हमारे हॉस्पिटल्स कोरोना महामारी के कारण भरे पड़े थे और तब भारत ने हमें मदद भेजी थी, ठीक उसी तरह हम भी इस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दरअसल पेंडेमिक की शुरुआत में जब कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई थी उस समय पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके कारण अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज हो गई थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद की गुहार के बाद भारत ने लगभग 50 मिलियन यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के 5 करोड़ डोजेस रातों रात अमेरिका भेज दिए थे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत की इसी मदद का जिक्र कर रहे थे। इसी के साथ भारतीय मूल की अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी स्पष्ट स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अमेरिका भारतीय सरकार के साथ मिलकर एडिशनल सपोर्ट और सप्लाईज मुहैया करवाने के लिए बेहद क्लोजली काम कर रहा है। इससे पहले भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने यूएस के एनएसए जेक सलीवन से भी बातचीत की थी, जिसके बाद ही जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये सभी ऐलान हुए और व्हाइट हाउस ने भारत को आश्वस्त किया कि वो भारत को वेंटिलेटर्स, पीपीई, मेडिकल इक्विपमेंट्स और बाकी मदद के साथ साथ COVID-19 वैक्सीन का रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेगा। इसी के साथ एएनआई न्यूज एजेंसी से कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने लगभग 5 टन यानी 5000 किलोग्राम मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कुछ ही घंटों पहले एयर इंडिया की फ्लाइट A102 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना कर दिए हैं, जो कि 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद बहुत ही जल्द भारत पहुंच जाएंगे। इसी के साथ कई रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका में भारत की एम्बेसी को कई अमेरिकन एनजीओस, इंडियन डायस्पोरा और नेटिव अमेरिकन की तरफ से भारत की मदद करने के लिए बड़े ऑफर आ रहे हैं। खैर ये सब तो ठीक है और अमेरिका का COVID-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल और ऑक्सीजन भेजना आज की इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही सराहनीय मदद है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि भारत इस महामारी से लड़ने में तभी सक्षम हो पाएगा जब अमेरिका की अगुवाई में सभी अमीर वेस्टर्न देश WTO में COVID-19 वैक्सीन के ऊपर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाने के भारत और साउथ अफ्रीका के प्रस्ताव को समर्थन देंगे, क्योंकि ऐसा होने पर भारत ही नहीं दुनिया भर के खाली बैठे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को COVID-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ना ही कोई परमिशन लेनी पड़ेगी और ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और ये सभी खाली बैठे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स COVID-19 वैक्सीन का बेहद सस्ता जेनेरिक वर्जन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इससे भारत अपने लिए तो लार्ज स्केल पर COVID-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर ही लेगा, लेकिन WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम दुनिया भर के मिडिल और लो इनकम देशों को भी बेहद सस्ते दाम पर कोरोना वायरस की वैक्सीन सप्लाई कर पाएंगे। इसलिए अभी फिलहाल भारतीय सरकार को आधी सफलता मिली है और आधी अभी बाकी है। खैर वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ने मदद टाइम पर भेजी है या फिर देर कर दी है? मतलब नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजाओ। अगली वीडियो चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली इनको शर्म आ गई है। कुछ देशों ने भी इनको बोला है और ऊपर के बाद इनके मुल्क के अंदर जो कंट्री के अंदर ऐसे लोग थे बड़े बड़े अपोजिशन के और पार्टीज के और लोगों ने भी इनको पार्टी के अपने लोगों ने इनको थोड़ी शर्म दिलाई है, तो थोड़ी सी इनको
शर्म आ चुकी है कि आगे आओ मदद करो। हम आगे आओ नहीं, वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मुश्किल टाइम पे इंडिया से हेल्प भी नहीं मांगी, तब इंडिया ने तुम जैसे की हेल्प की, और अभी तुम्हारा जब टाइम आया है तो तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे हो। तो लगता है कि थोड़ी सी शर्म उनको आ गई है और आनी भी चाहिए। चलो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, अभी इंडिया को इस टाइम पे ऑक्सीजन वैक्सीन और चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तौर पे बाइडेन ने बयान जारी किया है इस बात पे कि मतलब कि हम इंडिया के साथ हैं, और जो उनका मटेरियल रुका हुआ था उसकी भी पाबंदी हटा दी है, और जो किटें ऑक्सीजन की जो और चीज है वो किटें मिटे और ऑक्सीजन की किटें और कुछ सामान जो है जरूरत पड़ता है कोरोना वायरस के लिए वो भी भेज रहे हैं। वो उन लोगों ने अभी मतलब के बोल रहे हैं कि जहाज पे सब कुछ कर दिया है और वो जहाज आ रहा है, मतलब जहाज ने फ्लाइट भर लिया और रास्ते में, और जितना जल्दी हो सके ये पहुंचे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वाकई में अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब डेली के 3-3.5 लाख 4 लाख पापा वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल इन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन इसकी बहुत कमी है ना, बहुत कमी। और तो चले हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बेड्स वगैरह के निजाम जो चलता रहेगा, कोरिया से भी आ रहे हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, हर कंट्री से हेल्प हो रही है पापा आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हर कंट्री से हेल्प हो रही है। और अभी जो अमेरिका ने भेजी भी एक किस्म की बहुत बड़ी हेल्प वक्त पे कर दिया माना जा सकता है, इतना भी लेट नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में हालात बहुत ज्यादा खराब है यार, आप लोग भी अपने घरों में रहें, मास्क वगैरह यूज करें, फालतू घरों से मत निकलें, क्योंकि यार हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हुए हैं और हॉस्पिटल्स में जगह तक नहीं रही। अब इंडिया में एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए, 2-2 लोग लेटे हुए, मैंने वीडियो देखा था, मुझे मतलब इतना दुख हो रहा था कि ऐसी सिचुएशन बन चुकी है वहाँ पे कि मतलब कि एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हैं, खतरनाक सूरत है। अब कोरोना वायरस 3 बंदों को हुआ है तो वो एक बेड भी लेटे हुए हैं, देखे ना वहाँ पे। अब इंडिया क्या करे यार, अब जारी बात एकदम से इतना बड़ा उनपे वो आ चुका है, क्योंकि अब किसी ने इतना भी प्रिपेयर नहीं करता कि भाई अपने मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से इंडिया ने फुल प्रिपरेशन की हुई थी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि मतलब इतना खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही थी अगर इंडिया में फैलता है कोरोना वायरस तो बहुत तबाही करेगा यार। हम यही प्रे करते हैं कि इंडिया में ना फैले, कम हो जाए, तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत कंट्रोल हो जाए तो खुशी की बात होगी। दुख होता है यार ये चीजें देख के भाई हमारा पड़ोसी देश है उसने उसका यूं हो रहा है, तो मतलब दुख तो होता है यार। इंसानियत वजह सारे इंसान बसते हैं ना, इंसान अगर कोई हिंदू हो मुसलमान हो, इंसानियत के तकाजे सबके लिए यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला ने जल्दी से जवाब दे और बीमारी को दूर से दूर भगाए, कोई शक नहीं, आमीन आमीन इसमें। तो यार आप लोग बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का कोई भी वीडियो या कोई अपडेट हो आप यार इंस्टाग्राम पर हमें बता सकते हैं ताकि हम भी इसे अपडेटेड हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।